नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर. आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले कौन सी होती है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हमें कहा है इसका बेस मींस ये वाली साइड 4/3 सेंटीमीटर है. द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर. वट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स. दो साइड जो इक्वल है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है. सो लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी एक्स एंड एक्स. सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मींस जो ये दो साइड इक्वल है इसकी हमने लेंथ मान ली x सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल. सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल. अगर ए बी सी ये तीन साइड्स हैं, पेरीमीटर की वैल्यू हमें दी है 4/2/15 सेंटीमीटर, तो किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ए बी है एक्स, बी सी है 4/3 और ए सी भी है एक्स. यहां तक क्लियर? नाउ x प्लस x कॉन्स्टेंट आगे कोई भी टर्म नहीं है मीन्स क्या होगी? 1. 1 प्लस 1 2x प्लस 4/3 यही है. इसे सॉल्व करेंगे 15 × 4 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर. नाउ ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन क्या होगा? चेंज. 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x. टेक द एलसीएम ऑफ 15 एंड 3. 3 5s आर 15, 5 1s आर 1. तो एलसीएम आया 3 × 5 15. सो एलसीएम लिखेंगे 15. 15 को 15 से डिवाइड किया 1. 1 × 62. 15 को 3 से डिवाइड किया 5. 5 4s आर 20 इज इक्वल टू 2x. यहां तक क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 2 42/15 2x. नाउ ये 2 और x आपस में क्या है? मल्टीप्लाई. जब ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड. सो 1/2 21/15. 3 7s आर 21. 3 5s are 15. 7/5. 5 1s are 5. चाहो तो इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. 1/2/5 सेंटीमीटर्स. 5 1s are 5 प्लस 2 7/5. सो राइट डाउन देयर फोर लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी एक्स इज इक्वल टू 1/2/5 सेंटीमीटर्स. दोबारा से डिस्कस करते हैं. हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसका बेस गिवन है. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं. तो हमने इक्वल साइड मान ली एक्स एंड एक्स. इक्वल साइड एक्स और एक्स. बेस हमें गिवन है 4/3. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी. तो एक्स एक्स बेस है 4/3. एक्स प्लस एक्स इज 2x. 4/3 ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड, साइन होगा चेंज. डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लिया आया 15. 15 को 15 से डिवाइड किया 1 × 62. 15 को 3 से डिवाइड किया 5. 5 4s आर 20. 42/15. 2 और x आपस में क्या है? मल्टीप्लाई. तो 2 इज दूसरी साइड आएगा इक्वल के तो क्या होगा? डिवाइड. 2 × 21 इज 42. सो x इज 21/15.
15. 3 7s are 21, 3 5s are 15. चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो 1 2 by 5. सो लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स आर 1 2 by 5 सेंटीमीटर्स. यूनिट लिखने जरूरी है, जो भी यूनिट गिवन है उसे लास्ट में आपने लिखना है, क्योंकि आप साइड निकाल रहे हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उसे लिखोगे.